मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन कक्षा 6 का जो पाठ था उठो धरा के अमर सपूतों का अगला भाग, कल अपन इसके अंतर्गत फर्स्ट भाग पढ़ा था, आज अपन इसका अंतर्गत ये अभी सेकंड पैराग्राफ, सेकंड और थर्ड दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, अति लघु जो लघुतात्मक प्रश्न है वो आज आपको होमवर्क में करने को मिलेंगे। तो पहले अपन बुक पढ़ते हैं, बुक के अंदर जो दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ, डाल डाल पर बैठ बेहद कुछ नए स्वर में गाते हैं कि डाल डाल, पेड़ों की डाल डाल पर बैठकर व्यक का होता है पक्षी, तो अलग अलग डाल पेड़ की डाल डाल पर बैठकर पक्षी कुछ नए स्वर में गा रहे हैं, यानी कुछ नया गा रहे हैं, हमेशा की तरह पुराना राग नहीं अलाप रहे हैं, कुछ नया गा रहे हैं, कुछ नई सोच के साथ उनके स्वर आ रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, फूलों के ऊपर भौरे क्या कर रहे हैं, बाग बगीचों के अंदर गुनगुन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, नई स्वर नई आवाज़ के अंदर कुछ नए स्वर लगा रहे हैं। मस्त उधर मंडराते हैं और इधर उधर अपनी मस्ती में मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, नवीन युग पुराना युग नहीं, नई नवीन सोच, नए दृष्टिकोण, नए उत्साह, नई उमंग से नए युग में नई वीणा, नूतन वीणा में, नई वीणा में नया राग और नया गान भर रहे हैं। तो पेड़ों पर, पेड़ों की डाल डाल पर पक्षी अपने नए नए स्वर के अंदर कुछ गा रहे हैं, नवीन प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, नए नए स्वर में गाने के लिए उत्साह भर रहे हैं या नए कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। गुनगुन गुनगुन भौरे करते मस्त उधर मंडराते हैं, तो गुनगुन यानी गुंजन करते हुए भौरे इधर उधर क्या कर रहे हैं, मस्ती में मंडरा रहे हैं। नवयुग की और नए युग के आने की या नवीन युग की जो नवीन वीणा है, नया स्वर है, उसके अंदर एक नया राग और नया गान भर रहे हैं। तो यहाँ पे नवयुवकों के बारे में कहा गया है, नवीन पीढ़ी के बारे में कहा गया है कि नवीन पीढ़ी के जो नवयुवक लोग हैं वह अपनी वीणा में यानी अपने स्वर के अंदर नई राग और नए लय भर रहे हैं और लोगों को नवीन या श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उठो दरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, हे भारत माता के सपूतों, फिर से उठो जागो और नए भारत का निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, कली कली क्या कली है, इधर खिल रही है, वह फूल फूल मुस्काया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कली का जो प्रतीक है, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, खिल रही है, उनके भी ज्ञान रूपी उन्हें भी शिक्षा मिल रही है, वो भी क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है, वे भी बड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार फूल से पहले कली बनती है, तो कलियों के खिलने से फूल बनते हैं और फूल पूरे खुल जाते हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे फूल हमें, फूल क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या है, कली रूप में है और धीरे धीरे ये बड़े होकर क्या कर रहे हैं, फूल बनकर मुस्कुराएंगे। धरती माँ को आज हो रही नई सुनहरी काया, तो धरती माता की जो काया है, जो हमारी जो भूमि है उसके ऊपर सुनहरी काया का मतलब हो सकता है उसमें हरियाली हो रही है, चारों ओर हरा भरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, या ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरी भारत माता की जो धरती है वह क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग ध्यान करो, नवीन और कल्याणकारी आवाज या ध्वनि से गुंजित यानी गुंजन करना यानी आवाज़ करके या गुंजित करके, भावना की तरह गुनगुन करके या गुंजित कर गुंजन करके जग का उद्यान करो, गुंजित जग का उद्यान, जग यानी भारत माता का यह जो बगीचा है, जो भारत माता की धरती रूपी जो बगीचा है उसके अंदर नवीन मंगलमय ध्वनियों को गुंजित करके या गुंजायमान करके उस बगीचे को क्या करना है, गुंजित करना है, पूरे बगीचे में नवीनता का प्रसार करना है, फैलाव करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, हे भारत माता के सपूतों, भारत माता का या भारत की भूमि का पुनः फिर से एक नया निर्माण करो।
तो सेकंड पैराग्राफ में ये है, कली कली खिल रही है और चारों ओर फूल मुस्कुरा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे कली के रूप में कली हैं और वह धीरे धीरे युवा होकर मुस्कुरा रहे हैं, यानी अपने श्रेष्ठ कार्य करके भारत की भूमि को क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं या उज्ज्वल कर रहे हैं। धरती माता आज तक और अपने युवा वर्ग अपनी मेहनत और परिश्रम से संपूर्ण धरती माता की काया को सुनहरी कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। और नई मंगलमय ध्वनियों से भारत माता का जो बगीचा है, जो उनकी भूमि है, उसे क्या कर रहे हैं, गुंजित करो, उस उद्यान को हमें गुंजित करना है, उन्हें उसे बहुत ही सुंदर और प्रकाशित करना है, उसे बनाना है। तो ये दो पैराग्राफ हो गए। अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं सही विकल्प, सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। फर्स्ट दिया हुआ है कविता में किसके अमर सपूतों को उठने के लिए कहा जा रहा है, तो धरती माता की, यानी धरती माता यानी धरती राइट है। पेड़ की डालों पर कौन बैठते हैं, कौन बैठते हैं, देखो भौरे बैठते नहीं है, सर को सांप बैठते नहीं, तो पक्षी। नया राग गान किस में भरना है, झील में नहीं भर सकते, झंडों में नहीं भर सकते, तो वीणा में भर सकते हैं। धरती माँ की काया कैसी है, चमकीली नहीं हो सकती, हरी नहीं हो सकती, और कैसी है, सुनहरी है, यानी सूर्य की प्रकाश की किरण गिरने से सारी प्रकृति कैसी दिखती है, सुनहरी दिखती है, जिसमें खूब सारे रंग दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको एक जो ये दिया हुआ है सेकेंड ख फिल इन द ब्लैंक से आपको कविताएँ पंक्तियाँ पूरी करनी है। इसके अलावा प्रश्न छोटा वाला ग दिया हुआ है यहाँ पे, मौखिक उत्तर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मौखिक उत्तर दीजिए। तो पक्षी कहाँ बैठते हैं और क्या कर रहे हैं, पक्षी पेड़ों पर बैठ कर नए स्वर गा रहे हैं। कवि सुनों में क्या भरने को कह रहा है, कवि फूलों के अंदर मंगलमय ध्वनि को भरने को कह रहा है। कवि किसमें नवगान करने की बढ़ने की बात कह रहा है, कवि नए युग में नूतन वीणा के स्वरों को भरने की बात कह रहा है। हर बालक किसका पुजारी है, हर बालक शिक्षा का पुजारी है। तो आपको इसके अंदर क ख और ग तीनों प्रश्न है वो आपको होमवर्क में मिलेंगे, और तीनों प्रश्न आपको क्या करने हैं, नोटबुक में करने हैं। तो इसके अंतर्गत इसके अंदर देखो एक तो आ जाएगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न दूसरा है खाली जगह, और तीसरा है यहाँ पे आएगा मौखिक। ये तीन आपको प्रश्न करने हैं, और अगले जो लघु प्रश्न है वो अपन अगली क्लास में करेंगे।